हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बहुत ही अच्छी खबर आ गई यूपी लेखपाल भर्ती से संबंधित, और इस भर्ती का इंतज़ार उत्तर प्रदेश के लाखों छात्र कर रहे हैं। पेट का रिजल्ट आने के बाद लेखपाल भर्ती में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली और नोटिस जारी हो गया है और शीर्ष प्राथमिकता पर लेखपाल भर्ती को रखा गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना, चाक्षु पब्लिकेशन लेकर आ गया है उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल 2021 के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित गाइड, और इसमें आप पूरा हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास और करेंट अफेयर्स अपना कवर कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी की लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर इस किताब को तैयार किया गया है। 2000 से ज़्यादा इसमें आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे व्याख्या सहित, और आप इसमें देख पाएंगे दोस्तों कि लेखपाल भर्ती का पूरा सिलेबस कवर है और प्रीवियस ईयर के पेपर भी इसमें सॉल्व्ड हैं। तो अध्याय एक की शुरुआत होती है भारतीय इतिहास से, और एक एक टॉपिक ऐसे ही इसमें कवर किया गया है। पूरा थ्योरी आपको इसमें मिलेगा हर सब्जेक्ट का, साथ ही साथ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिलेंगे उस टॉपिक के, तो आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी इससे हो जाएगी। और आपको सभी प्रश्नों का आंसर भी यहाँ पर दिया गया है और उत्तर का व्याख्या भी आप देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की गाइड के साथ साथ चाक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट बुक भी आता है और ग्राम समाज एवं विकास की प्रॉपर एक गाइड आती है। अगर आपको इन किताबों को खरीदना है ऑनलाइन तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, साथ ही साथ आप ऑफलाइन मार्केट में जाकर दुकानों से भी इन किताबों को खरीद सकते हैं। 28 अक्टूबर का डेट देख सकते हैं, 28 अक्टूबर के डेट में ये नोटिस रिलीज की गई थी जो आज सार्वजनिक की गई है। और राजस्व लेखपाल भर्ती दोस्तों अब बहुत ही जल्द आने जा रही है। एक बार फिर से फ्रेश अधियाचन मांग लिया गया है लेखपाल भर्ती का, और अब ये भी तय है कि पदों की संख्या जरूर बढ़ेगी। चूँकि दोबारा से अधियाचन मांगे गए हैं तो कुछ न कुछ पद और जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, और चूँकि लेखपाल भर्ती पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, राजस्व विभाग में जो सबसे नीचे का पद है वो लेखपाल ही है और इस पद पर कोई प्रमोट होकर नहीं जाता है, जबकि लेखपाल ही प्रमोट होकर कानूनगो बन जाते हैं। और हाल ही में बहुत सारे लेखपाल कानूनगो बने भी हैं। प्रमोशन का काम काफ़ी तेज़ी से उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय में देखने को मिला है, तो इसकी वजह से भी बहुत सारे पद खाली हुए हैं। तो देख सकते हैं 17, 18, 18, 19 और 19, 20 ये जो तीन ईयर हैं इसके रिक्त पदों का ब्यौरा एक बार फिर से मांग लिया गया है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि 1 नवंबर सुबह 11 बजे तक सभी डेटा को मांगा गया है और ये मेल आईडी जारी की गई है। इसी मेल आईडी पर पूरा एक फ्रेश अधियाचन भेजना है, और अधियाचन मिलने के बाद उम्मीद है कि जल्द ही इसका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। अभी आज ही के न्यूज़पेपर में खबर आई थी कि पीईटी का रिजल्ट आ गया और अब 22,000 पदों पर भर्ती होगी। इस 22,000 में जो प्रमुख भर्ती है वो लेखपाल की है, राजस्व लेखपाल की बात हो रही है। 7,882 पदों का अधियाचन मिल गया है, एक बार फिर से फ्रेश अधियाचन मांगे गए हैं और इसमें कुछ न कुछ पदों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। तो अच्छे खासे पदों पर अब भर्ती होने जा रही है। तो अगर आपने पेट में अच्छा स्कोर किया है तो लग जाइए लेखपाल भर्ती के लिए, क्योंकि 1 नवंबर को पूरा डेटा मिल जाएगा और सरकार ने चाहा तो नवंबर महीने में ही लास्ट तक लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। चूंकि लेखपाल भर्ती कराना सरकार की प्राथमिकता में है, काफी समय से इस भर्ती की चर्चा है और अब लग रहा है कि ये भर्ती निकल जाएगी। कुछ शैक्षणिक योग्यता को लेकर विवाद है, जैसे कि ट्रिपल सी को लेकर मांगा जाए या ना मांगा जाए, लेकिन इन सभी चीज़ों को निस्तारित करके जल्द ही एक अच्छे खासे पदों पर भर्ती निकलने की अब उम्मीद बन गई है। तो ये थी अच्छी अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।